चलिए खबर झुंझुनू के बिसाऊ से है, जहां पर कोरोना को लेकर कस्बे के युवाओं ने पहल करते हुए लॉकडाउन हेल्प समिति बनाई, जो रोज करीब 100 गरीब परिवार चिन्हित कर उन्हें राशन किट बांटेगा। युवाओं ने बताया कि जो लोग शर्म के मारे सरकारी और भामाशाह की सहायता नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें समिति मदद करेगी और ऐसे लाभार्थियों के नाम भी उजागर नहीं किए जाएंगे। युवा ग्रुप समिति अब तक करीब 250 लोगों की मदद कर चुकी है, जिस पर विधायक रीटा चौधरी ने लॉकडाउन हेल्प समिति की सराहना की है। लॉकडाउन हेल्प ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 8 से 10 दोस्तों मिलकर। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय किया था कि बस स्टैंड के ऊपर एक सैनिटाइजर मशीन लगाई जाएगी, और शुरू में हमारा उद्देश्य भी यही था कि सैनिटाइजर मशीन के द्वारा जो भी बाजार में काम करने वाले लोग या जो ग्राहक आते हैं वो सैनिटाइजर होंगे और इस बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य से हमने इस मशीन को यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद में हमने चर्चा की, हमें ये महसूस हुआ कि हमारे ही आसपास या हमारे ही ऐसे भाई हैं, हमारे आसपास ऐसे परिवार हैं जिनको हम मध्यम वर्गीय कह सकते हैं।